इंग्रीडियंट से हम बनाएंगे आम का गुड़, अम्मा गुड़ और आम। तो आगे चलिए देख लेते हैं इसका प्रोसेस कैसे बनाना है। तो चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में डालूंगी इसमें सरसों का तेल थोड़ा सा, मैं बहुत कम तेल डालना पसंद करती हूँ, मैं ऑयल ज़्यादा नहीं डालती किसी भी चीज़ में। जितने कम ऑयल बन जाए उतना अच्छा होगा, हेल्दी और टेस्टी बन जाए वही अच्छा है। तो इतना मैंने ऑयल डाल दिया। अब इसमें मैं डालूँगी मेथी और मंगरेल और थोड़ा जीरा। मैंने डाल दिया इसमें मेथी डाला, थोड़ा सा जीरा और मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मंगरेल, इसमें इतनी सी मंगरेल और थोड़ा सा रोस्ट करूँगी। ये कढ़ाई है जिस चीज़ में ये बड़ी भी है थोड़ा, अब इसमें तेल बगल से आ जाता है तो इसलिए इतना भी कम तेल नहीं डाला है। ये थोड़ा सा पक जाए, भुन जाए थोड़ा सा इसमें से। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा पानी और जो मेरा गुड़ मैंने तोड़ के रखा है इसको मैं ऐड कर दूंगी गुड़ को। इसको थोड़ी देर पका लूंगी गुड़ को मैं। क्या देखिए मतलब गुड़ पक गया था, मतलब गुड़ इसमें मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें आम ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट जरूर। इसमें कोई चीज़ें स्किप मत करिएगा कि आप मेथी मत डालिए, मंगरेल मत डालिए, जीरा, आपको सब चीज़ें डालने तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। और ये मैं आम डाल दे रही हूँ इसमें, उसको थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डालूँगी, ब्लैक सॉल्ट एक स्पून डालूँगी मैं, ब्लैक सॉल्ट से टेस्ट अच्छा आएगा। इसको मैं पकाना पकने के बाद दिखाती हूँ। गुड़ अम्मे हो गई है तैयार, आप उनको जरूर ट्राई करिए, बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी है, बहुत हेल्दी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।